निषाद और अत्यंत पिछड़ा के वोट के नाम पर वोटों का व्यापार करने वाले मुकेश सहनी को यूपी के निषाद और अत्यंत पिछड़ा समाज ने शून्य पर आउट कर करके जमानत जब्त करा करके इनको सबक सिखाया है। होली के अवसर पर भगवान इन्हें सद्बुद्धि दें। बोछा की सीट भाजपा की बेबी कुमारी पहले जीती हुई थी, भाजपा ने उनका बलि दे कर करके इनको वो सीट दिया था। उस एहसान के बदले ये यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछड़ों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चला रहे हैं, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए हैं, उनके खिलाफ फ्रंट खोले हुए थे। वहां की जनता ने इनको सबक सिखाया है, बोछा की जनता भी इन्हें सबक सिखाएगी। होली के अवसर पर मैं इन्हें भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि दें और एनडीए के साथ रहें, इसी में इनका कल्याण है। देखिए, बोझा की सीट वीआईपी की परंपरागत सीट रही है और चूंकि अब वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, इसलिए होली के उपरांत एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठकर उस मामले पर निर्णय लेंगे। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ी रहेगी, इसमें कहीं से किसी को संशय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो होली के शुभ अवसर पर वीआईपी पार्टी को जो तोहफा दिया है उसके लिए भाजपा को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में 12 करोड़ जनता ने मैंडेट दिया हम वीआईपी जदयू भारतीय जनता पार्टी, आज सहयोगी दल हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है। दूसरी ओर आपने किसी से बात नहीं किया, किसी सहयोगी दल से बिना बात किए हुए आपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। वो तो वीआईपी की सीट थी, हमारे मुसाफिर पासवान जी जो दलित समुदाय से आते हैं उनकी जीती हुई सीट थी, वो वीआईपी की को मिलना चाहिए था वो सीट। आपने किसी से बात नहीं किया, आपने किसी से किसी को आपने नहीं बताया, आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया। दूसरी बात यह है कि भारत वीआईपी पार्टी जो है जल्दी जो है उम्मीदवार की नाम की घोषणा सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी जल्दी इसकी करने वाले हैं और हम लोग इसका वहां वीआईपी वहां पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि एनडीए में कहीं कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, जो भी बातें हैं वो सबकी सहमति से होती है और अभी की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसमें बोचहा सीट हमारा पहले भी दावेदारी थी, किसी वजह से जो सामान्य चुनाव हुआ था पिछले बार तो उसमें वो सीटें हम लोगों ने अपनी सीट वीआईपी को दे दी थी, कोई वीआईपी का था नहीं लेकिन हमने अपनी सीट दे दी थी। अब जो है अभी वर्तमान में स्थिति यह है, जनता की मांग यह है, वहाँ अधिकतर जनता जो है यह चाहती है कि बीजेपी का उम्मीदवार हो, तो इसलिए जो पूर्व से वहाँ से हमारी विधायक थी और आज पार्टी में हमारी महामंत्री भी हैं बेबी कुमारी जी, निर्दलीय उन्होंने जीता था, भाजपा के साथ है, जनता जो है उनके साथ है, भाजपा के साथ है, इसलिए हम लोगों ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही भाजपा ने उस सीट से बेबी कुमारी को खड़ा करने का फैसला लिया है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी जो 5 राज्यों का जो परिणाम आया है पूरे देश में जनता ये से विश्वास से लबरेज है, मोदी जी के साथ है और बिहार की जनता भी मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है और हम सब लोग जो है वहाँ से भाजपा के जो एनडीए के उम्मीदवार हैं बेबी कुमार जी उसको भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे। लेकिन मुकेश ने कहा कि वो भी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे और उन्होंने कहा कि होली से पहले बीजेपी ने अच्छा गिफ्ट दिया है। देखिए, मुकेश सहनी जो हैं आज की राजनीति में एक तरह से साथ चल रहे हैं, अति महत्वाकांक्षी हैं, पेशेंस धैर्य बहुत जरूरी होता है और जब धैर्य राजनीति में बनता है तो निश्चित तौर पे उसका फायदा जो है प्रदेश को मिलता है,
व्यक्ति को मिलता है, समाज को मिलता है। लेकिन मुकेश सहनी जी अति महत्वाकांक्षी हैं और उस धैर्य अपने अंदर से उन्होंने खो दिया है। वो तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को गए थे, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया उन्होंने। इसलिए मैंने कहा कि आदमी को जो है धैर्य रखना चाहिए। आज आप बड़े नेता हैं, आपको लगता है आप बड़े नेता हैं, बड़ा समाज आपके साथ है, आप जैसे निर्णय आपने लिया आप भी निर्णय ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, उस पर उनको विश्वास होगा, तो आज वो भाजपा के साथ रहेंगे और भाजपा के उम्मीदवार को अपना पूरा समर्थन दमखम देंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे, ताकि इस प्रदेश में विकास की जो गाड़ी चल रही है, जो रफ्तार आगे बढ़ रही है, वो चलता रहे, रुके नहीं। आपको लग रहा है कि इसे मतलब गठबंधन में दरारें आएंगी सरकार में किसी? देखिए, सरकार पे किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आने जा रहा है। आज देश में सभी जनता विकास के साथ, मोदी जी के साथ और अमन चैन और शांति के लिए जो है सरकार बनाए रखना चाहती है। और बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, प्रदेश की तरक्की के चल रही है और मोदी जी के साथ चल रही है।